घमौरी क्यों लग रही है मेरे को चेहरे पे, मेरे को घमौरी लाल हो गया अभी भी यहाँ से चेहरा मेरा, क्यों मच्छर काटा क्या? डेंगू तो नहीं था देखो, यहाँ कुछ हुआ है अभी भी? यहाँ देखो यहाँ लाल लाल हो गया कुछ, वो पानी की वजह से हुआ है। ओ पानी में जल गया मेरा गोरा बदन, शायद जल गया मेरा गोरा बदन। फटाफट नहा लिया हम लोग, हम लोगों ने सोचा कपड़े चेंज करने से अच्छा उतनी देर में तो हम लोग नहा लेंगे। नहाना पड़ा, मैं नहीं नहाने जा रही थी, मैं तो ऐसे ही बैठना जा रही थी। अब सही है ना, फ्री हो गया आराम से, जाके बीच साइड पे कॉफी पियेंगे और चिल करेंगे, प्यार भाई कॉफी पियेंगे अभी। तो भाइयों हम लोग बैठ गए एकदम पूल और बीच के सामने कॉफी पीने के लिए। देखिए ये है मेरा कप और ये है संभावना का कप, ठीक है। इसने पी भर के कॉफी यहाँ तक और मुझे भी भर के कॉफी मिली, फिर इसने दोबारा पी और मेरे बारे में इसने कहा कि बस अब खत्म हो गई, दोबारा क्यों ले रहे हो, हमने बराबर बराबर ही तो पिए। इसका फैसला अगर कोई कर देना कमेंट बॉक्स में कि ये बराबर कहते हैं इसको, तो मैं यहीं मॉरिशियस में डूब के यहीं से मैं बैकुंठ निकल जाऊं। तुमने कहा था मेरे को उतने कप में चलेगी, मेरे पर मत डालो, मेरा नाम खराब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेबी मेरा एक ही डब्बा है, वो तक नहीं संभाल सकते तुम? कुलाई क्यों, हाथी के बच्चे को? ये हाथी का बच्चा है बेबी, इतना मोटा इसको कहाँ रखूं मैं? कुछ भी हो जाए इसको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रही हूँ। घमौरी क्यों लग रही है मेरे को चेहरे पे, मेरे को घमौरी लाल हो गया अभी यहाँ से चेहरा मेरा, क्यों मच्छर काटा क्या? डेंगू तो नहीं था देखो, यहाँ कुछ हुआ है अभी भी? यहाँ देखो यहाँ लाल लाल हो गया कुछ, वो पानी की वजह से हुआ है। ओ पानी में जल गया मेरा गोरा बदन, शायद जल गया मेरा गोरा बदन। हेलो जी, आ गए रूम। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, बाहर बहुत ठंड थी अविनाश। आई थिंक ना 2 घंटे के बाद हम लोग जाएंगे और चेक करेंगे कि अगर कोई रेस्टोरेंट खाली है, यहाँ पे ओवर बुक्ड चल रहे हैं रेस्टोरेंट, ट्राई हम लोग करना चाहते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू गो एंड ईट देयर। रूम में कौन खाना खाए? मुझे एक और कॉफी पिला दो, बहुत गंदी कॉफी थी, फाड़ के दो इसको। बेबी ये मत कराओ, ये फटती नहीं यार। कैंची? कैंची में घर से कैंची क्यों लेके आऊं, दर्जी हूं मैं। लगते तो वही हो। मैं आपको बताती हुआ क्या है, तो हमें लग रहा था हमें टेबल नहीं मिलेगा, आपको मालूम है उन्होंने टेबल तो दे दिया, लेकिन इसकी इस आदमी की वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने चप्पल पहन रखी है, चप्पल अलाउड नहीं है, हाफ पैंट पहन रखी है, हाफ पैंट यहाँ पे अलाउड नहीं है अगर आप डिनर के लिए आ रहे हो तरीके से। तो ये पहले ही रूल्स में था और पहले डे 1 इन्होंने बताया था, उसके बाद भी ये आदमी कम कपड़ों में आया है। तो चलिए वापस आइए, आइए मैं भी जाऊंगा, तुम मेरी बीबी, तुम भी अर्धांगिनी भुगतोगी मेरे साथ, आओ। टेबल मिल गया है हमें और खाना भी मैंने ऑर्डर कर दिया, अब फटाफट जाके चेंज करेगा ये, ठीक है बीबी? हाँ आप ठीक है? चलो लग रहा हूँ जेंटलमैन? नहीं काले दिख रहे हो एकदम, बिल्कुल। तो आई एम टॉल डार्क हैंडसम ना बेबी? तो ऐसा लग रहा है कि इधर गए हैं और जो जो पत्ते पड़े नीचे और जो समंदर से एक दो पत्थर आए थे बाहर, तो सीप भी लगा के इसमें डाल दिए, एंड नाउ दे विल चार्ज अ बॉम्ब। मैं आपको बता दूं कि जिसको हम सोच रहे थे कि कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, वो इतना बढ़िया निकला, ये है वो, उन्होंने सूप बाद में आके डाला है, एंड इट्स अ सी फूड सूप, आउटस्टैंडिंग है। बेबी कैसा लगा तुम्हें? ये बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया ना, बाद में आके इन्होंने जो इसमें ये डाला है ना, फिर समझ में आया, लेकिन पहले फिर डराते क्यों आदमी को घास फूस देके? पहले बहुत डर गए थे हम। मैंने चेंज कर लिया है, अविनाश चेंज करने गया है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। आपको मिलते हैं आप कल, क्योंकि अब बहुत टायर्ड हो चुके हैं, इससे ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो सकती। भैया आप क्या सोते हुए बनाए क्या ब्लॉग? तो आपको मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। अरे मैं कैसा लग रहा हूँ आज? जो है सो है, जैसे हो वैसे ही लगोगे। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग। हम लोग उठ गए सुबह सुबह, तो हम लोग बिल्कुल भी नहाए नहीं है, और आप देख सकते हो जैसा कि हम कल वाले संभावना अपने रेनकोट में, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज सुबह सुबह हम लोग वाटर एक्टिविटीज जितनी भी है वो कवर कर लेंगे, एटलीस्ट होटल के अंदर जो जो है। तो अभी यहां से हम जा रहे हैं ऐसे ही सीधा जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट के बाजू में बीच है, वहाँ बीच पे जाएंगे, बाकी एक्टिविटीज करेंगे, उसके बाद आके नहाएंगे। हाँ और जिसमें पता नहीं पैरा सीलिंग और क्या क्या हमने डिसाइड किया है, लेट्स सी क्या होता है वहां जाके। अब
अविनाश ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, सब उल्टा होता है तो मेरा कट जाता है बुरे तरीके से। मैं जितना एक्साइटेड होता हूँ मेरा उतना बड़ा कटता है। तुम एक्साइटेड मत होना, तुम मुझे मन से जाओ, नाटक मत करो ठीक है ना। मेरे को कॉफी चाहिए, समय इसके बाद ही मैं बात कर पाऊंगी। आई कांट टॉक। संभावना को ना सब लोग बोल रहे थे, ओ सीधे एक्ट्रेस, एक्ट्रेस फ्रॉम मुंबई, एक्ट्रेस फ्रॉम इंडिया। फिर कल जब देखा ना बीच में तो रेनकोट पहन के आई एक्ट्रेस, ना ना शी लाई, शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, हाउ कम शी इज वेयरिंग अ रेनकोट। ये चुपचाप सनस्क्रीन लगा के आ गई, मुझे बताया भी नहीं, मैं भूल गया सनस्क्रीन लगाना। अब अभी वाटर एक्टिव करूंगा मैं तो ऐसा काला भुजंड हो जाऊंगा कि पूछो मत। वो तुम हो, उससे ज्यादा हो गए। तुम जो लाए थे मैंने लगा लिया फेस पे, अच्छा खासा मोटा वाला सनस्क्रीन। मेरे को याद तो दिलाना चाहिए तुम्हें कि सनस्क्रीन लगा लो। मैं याद ही कराती रहूँ, मैं खुद के कपड़े नहीं पहनू, मैं खुद चीजें नहीं करूँ अपने लिए, मैं तुम्हें याद कराती रहूँ, मेरा यही काम रह गया। क्यों? ठीक है तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं सनस्क्रीन लगा के आता हूं। नहीं नहीं क्यों, अभी इतनी धूप नहीं है, चल जाएगा। संभावना जब किसी से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार दिखा के बात करने की कोशिश करती है, जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं आपका रूम नंबर पूछते हैं, तो इसके मुंह की ना चोंच बन जाती है। हाय गुड मॉर्निंग, यार रूम नंबर 136 कितनी झूठ बोल रहे हो। हाउ आर यू, ऐसा कौन बोलते हैं, वी हैव अ गुड डे, या 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 ये मैंने से बोलता हाय हाउ आर यू, हाँ चोंच बनी हुई है ना, चोंच बन गई ना। तोता, तोता आया मेरे साथ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया आज हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे वहां बैठ के। वाओ बेबी क्या जगह चुनी है मेरी बेबी ने, अब आएगा मजा ब्रेकफास्ट करने का। यहाँ के ज्यादा पैसे तो नहीं लेते, कहीं बाद में कहें सर 1 लाख मॉरिशन रुपी। यू एंजॉयड पूल बीच, यू हराम को गिव 1 लाख। दिस कॉफी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वांटेड अ लिटिल लाइट। और एक और चीज मैंने नोट करी कि संभावना जब किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करती है ना, तो रिक्वेस्ट करने के अगले 15 सेकंड तक उसका मुंह खुला रहता है। या 1 लाइट कॉफी एंड 1 हॉट कॉफी। फिर क्या आता था, रिक्वेस्ट हो गई फिर मुंह बंद कर दिए। तो हम लोग की डील डन हो गई है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं डॉल्फिन्स देखने, फिर जाएंगे टर्टल्स देखने, फिर जाएंगे ट्यूब राइड, उसके बाद पैरासीलिंग। नमस्ते। अब मेरा बेबी जब वापस आएगा तो एकदम कुलकत्ता बन के आएगा। बेबी सनस्क्रीन ले आओगी भाग के रूम में से? मैं काय को लाऊं, मैं लाऊं। हमारी बोट आ गई और हमने प्राइवेट बोट ली है, इसमें सिर्फ हम दोनों जाएंगे। हम किसी को नहीं आने देंगे अपने साथ, मैं और मेरा बेबी। बेबी पानी के अंदर कैसे जाएंगे, पानी बहुत ठंडा है। हाँ बेबी इतनी गर्मी में पानी इतना ठंडा। वाटर इज कोल्ड। चलो चलो। एक्चुअली इन लड़कों ने हमें बहुत अच्छी डील दी है यार। जितने में हमने ये डील ली है ना, उतने में हमारी दो चीज होती है जिसमें हम चार कर रहे हैं, और वो तो एक तो बहुत एक्सपेंसिव है। उन्होंने बिग बॉस करके उन्होंने दे दिया डिस्काउंट। तो कह रहे हैं कि डॉल्फिन जो है वो बहुत अंदर चली गई है डीप सी में, वहाँ जाने में 2 घंटे लगेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी सम बिग टर्टल्स, कह रहे हैं अब देखते हैं आगे। टर्टल पूरा, ये टर्टल है? दिस इज रॉक, नो टर्टल। ओह टर्टल मैडम, नो नो टर्टल, दिस वन वेयर जस्ट। हां हां हां, ये रहा हां, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। इतने भी लोग है ना टर्टल देख के, टर्टल टर्टल देखने उसी को आए थे, ऐसे उसको देखकर भाग रहे हैं। कोका कोला क्या बोल रहा है दरियाई घोड़े को तो काटता है। स्विमिंग विद टर्टल। हाथ दो ना एक मेरे को।
आराम से आराम से आराम से। क्या करने लायक बेबी, तुम जब फ्लोट कर रही थी ना उल्टा, ऐसा लगा कोई 1,500 साल का कछुआ तैर रहा है। संभावना भी इतने जोर से चिल्लाई, ओ टर्टल, मैं पलटा ना तो पानी बहुत जोर से हिल रहा था। मैंने कहा तो बहुत बड़ा टर्टल है, मैंने पलट के देखा अंदर से एक आदमी निकला। झुट झुट बता रही है यहाँ पे लोगों को ना, गुमराह कर रही है सारे फॉरेनर्स को। ऐसे सबके साथ में लहर में बोल देना चाहिए, लहर में ही इंसान जीत जाता है ना। जीतेगा भाई, जीतेगा टर्टल, जीतेगा ये रहा वो टर्टल। अभी मत करो, सबकी बोट इसी तरफ आने लग जाती है तुम्हारे बोलते ही, पता है? जैसे ये बोलती है ना, बोट इसी तरफ घूम जाती है। ओ टर्टल टर्टल, अच्छी लग रही हूँ मैं। Am I looking nice? You look like a white turtle, white big turtle, 400 years old. भाई साहब, पानी में इतना सॉल्ट है ना कि जो वाटर स्प्लैश आए थे ना बोट चलते हुए, कान वान पे लगे थे, कान के अंदर से नमक निकल रहा है। वो नमक नहीं है बेबी, मैल है तुम्हारी। जिसको तुम नमक समझ रहे हो, टर्टल। देखा जब बहुत ध्यान से दिया ना, ध्यान से देखा तो मेरे अपने बाल थे मेरे को। ओह माय गॉड, सच अ बिग टर्टल, मेरे अपने बाल थे वो। मछलियां बहुत सारी है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पूल में, जब तक हमारे लिए पैरासीलिंग का इंतजाम करते हैं, बोट आती है तब तक हम लोग पूल में जा रहे हैं। पूल में क्यों जाएंगे, मेरे को कॉफी पीनी है। तुम कॉफी पीना, मैं पूल में जाऊंगा ना। ये चला अविनाश पूल में, ये देखो। अरे स्विमिंग तो करो। अरे कहाँ छुप गया, बेबी स्विमिंग तो करो। बेबी को कुछ आता ही नहीं है, चलता हुआ स्विमिंग कर रहा है। बेबी इस पूल में तुम चाहो भी तो भी नहीं डूब सकते, बड़ी बेइज्जती कराता है, पता ही नहीं क्या कर रहा है। वाह 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 बेबी, बस हो गया बेबी, अभी तो शुरू भी नहीं किया तुमने। बेबी कुछ तो करो यार, बच्चे भी तुमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अंडर वाटर चैलेंज, बेबी बाहर नहीं आ पाओगे। ये देखो, ये देखो, हो गया बेबी, 3 सेकंड भी नहीं था ये। आ जाओ बेबी, चाय आ गई। बेबी जी तो जमीन पे ही हो तुम। शिट यार, हॉरिबल दिस इज। हो गई तुम्हारी वाटर एक्टिविटी ना, अब कहोगे आई एम वेरी हंग्री। अभी अविनाश आया ही है बाहर, अब चाय पी ही रहा है, और उन्होंने हमें बुला लिया है वाटर एक्टिविटी के लिए। मैं तो अभी रिलैक्स भी नहीं कर पाया हूँ स्विमिंग के बाद, और उसने पैरासीलिंग भी बुला लिया। बेबी स्विमिंग मत बोलो, मैंने लोगों को दिखाया तुमने क्या किया। तुम स्विमिंग कैसे बोल सकते हो जो तुम कर रहे हो, तुमने पता है कितनी बेइज्जती कराई है बच्चों के सामने। शिट, क्यूट बन रहे थे क्या? बेबी तुम कहीं से भी नहीं लगे हो यार। शिट यार, हॉरिबल दिस इज। तुम कैमरे पे क्यूटनेस दिखा रहे थे क्या? तुम्हें समझ में आया बेबी? हाँ, तो ये जो कह रहे हैं ये ऐसे ही रहना चाहिए। सो वी स्टैंड स्ट्रेट और वी आर लाइक दिस, हम पैराशूट, यू सिट, सिटिंग पोजीशन। मुझे डर ये कि तुम्हारा भी वजन होगा ना मेरे ऊपर। बेकार की बात मत करो। My God, what an experience. बहुत ही अच्छा। लेकिन डर लगता है यार, डर लगता है, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, पता है? ब्लैंक हो जाता है, डर लगता है। ज्यादा ऊपर जब गए ना हम लोग तब बहुत डरे, वैसे से किला ना एकदम, लेकिन मजा बड़ा आया। मतलब आप सोचो कि आप बीचो बीच हो और सिर्फ आसपास समुद्र और कुछ नहीं है। हम
लोगों ने रूम में आए, एक एक कॉफी पी और अब हम वापस जा रहे हैं। हमें फोन आया है सी वॉक करने के लिए। सी वॉक में क्या होता है, वो हमारे सर पे एक हेलमेट लगा देंगे बड़ा सा और हम सी के अंदर जाएंगे और सी का जो सरफेस है उसके ऊपर वॉक करेंगे और जो हेलमेट है वो हमें सांस लेने में मदद करेगा। काफी लोगों ने किया होगा, अभी हम जा रहे हैं करने। wait, 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 let, let.